हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3, परमाणु एवं अणु, मींस एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें जो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर एटम की, परमाणु की, ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो परमाणु की डेफिनेशन आई थी, मतलब जिसने ये प्रतिपादित किया था, वो थे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड। भारतीय दार्शनिक हुए महर्षि कनाड, जिन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, अगर इसको हम विभाजित करते जाएं, तो एक टाइम पर एक ऐसी सीमा आएगी कि जब इसके द्वारा जो प्राप्त कण होंगे वो इतने छोटे हो जाएंगे कि उन्हें वापस से डिवाइड नहीं किया जाएगा, उन्हें वापस से जो हम फिर से नहीं बांट पाएंगे। तो वो जो सूक्ष्मतम कण आएंगे, जिनको हम वापस से नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, एक और अन्य भारतीय दार्शनिक हुए थे पकुधा कात्याम। उन्होंने जो है इस मत को बहुत विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये क्या पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, हमें इकट्ठे पाए जाते हैं, और ये किसकी भूमिका में होते हैं, फिर पदार्थ की भूमिका में होते हैं। ठीक है, इसी समय पे ग्रीक दार्शनिक भी हुए डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, जिन्होंने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे, तब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकेंगे, और इन्हीं अविभाज्य कण को क्या कहा गया था, परमाणु कहा गया था। लेकिन ये जितने भी सारे सुझाव आए, चाहे महर्षि कनाड ने दिया, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने दिया, पकुधा कात्याम ने दिया, ये सारे क्या थे, दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ठीक है, इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए कोई भी जो है प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद आए वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवेजिए कह लिए, जिसने रासायनिक संयोजन के जो दो नियम दिए थे। ठीक है, तो वो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें मेन चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं हम रासायनिक संयोजन के नियम, मींस अगर इंग्लिश में बोले हम इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो है दो से ज़्यादा दिए थे। देखिए, नियम तो ये रहे 5 है, लेकिन इसमें जो है 9th क्लास में हम सिर्फ 2 ही नियम जो है पढ़ने वाले हैं, बाकी 3 जो है आगे आएंगे। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम कह लीजिए या फिर इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कह लीजिए, इसके अनुसार क्या था, देखिए, किन्हीं 2 या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित, इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो बस इतना याद रखिए, आपसे पूछेंगे रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे, तो ये दिए थे एंटोनी एल लेवेजिए एंड जोसेफ, इन दोनों ने जो है ये नियम दिए थे। ठीक है, इसका पहला नियम जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या कह लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, देखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो उदय संभव है और ना ही विनाश, ना तो मतलब किसी भी मैटर को कह लीजिए, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे है उत्पाद,
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो पहले रिएक्शन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक, या कह लीजिए पदार्थ के द्रव्यमानों का जोड़ कहेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आएगा प्रोडक्ट या फिर कह लीजिए उत्पाद। तो ये इन दोनों का एडिशन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या एग्जांपल से अगर हम देखें, अगर ये चार और छः हैं और ये भी जो है और इनका एडिशन देखें तो हम 10 आएगा, तो यहाँ पर जो चार छः होंगे वो भी क्या बन के आएंगे, 10 ही बन के आएगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज हो जाता है कि वो 10 ही दे। तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो याद रखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और निकले का तरीका, जो एडिशन होगा वो प्रोडक्ट के बराबर आएगा, पदार्थ इक्वल टू उत्पाद, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल भी इसने दिया है, देख लीजिए, एम ए प्लस एम बी क्या हो जाएगा, एम ए बी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ये देखिए, 2H2 प्लस O2 क्या बना, 2H2O बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि इतना आएगा 2 × 2 कितना बन गया, 4 ग्राम हो गया। O का अगर हम देखें तो कितना होता है, 16 होता है, मतलब तो 16 × 32 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2H2O है, 2 × 2 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कितना आ जाएगा, 36। ये भी 36 होगा, 32 × 4 = 36, और ये भी कितना आया, 36 आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो आएगी वो इक्वल आएगी। इसमें देखिए, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है एम 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकर्मित होते हैं, मतलब रिएक्शन होती है उनके बीच में। तो सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल जो थे पदार्थ थे, ठीक है, प्लस में आ गए। 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथनेट एम 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट आता है इसके बाद। सबसे पहले हमें मिला सोडियम एथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। अब इससे जो है इनके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, सबसे पहले था सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो गया 5.3 ग्राम। फिर देखिए 6.0 क्या है, एथेनोइक अम्ल है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, 8.2 ग्राम और 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे, इधर भी 11.3 ग्राम इधर भी 11.3 ग्राम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये उत्तर जो है क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्पष्ट करता है। उसमें क्या होता है, ये हमने देख लिया कि जो एडिशन होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, पदार्थ इक्वल टू उत्पाद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम जो दिया इसने, सेकेंड वाला, वो था स्थिर अनुपात का नियम, या कह लीजिए लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। तो देखिए इसके अनुसार क्या था, स्थिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, मतलब प्रिपरेशन करने का जो मेथड है वो चाहे कोई भी हो लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी रेशियो में होंगे। जैसे हम लें अगर 18 ग्राम H2O लिया हमने, ठीक है, इसमें हमें पता है हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन कितनी है 2 है, ऑक्सीजन कितनी है 16 है, तो रेशो कितना आएगा 1:8 आएगा, ठीक है। ये था 18 ग्राम H2O। अगर हम कहें 36 ग्राम H2O लें अगर हम, ठीक है, अब 36 ग्राम H2O लिया लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा, चाहे मेथड आप कितना भी ले लो, चाहे 18 ग्राम ले लो, 36 ग्राम ले लो, 80 ग्राम ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन दोनों ही नियम को सिद्ध करता है, मतलब प्रूव करता है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो इसने कहा था कि सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ये किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो यही है, देखिए कुछ अंश दिए हैं कि सभी द्रव्य जो होते हैं वो परमाणुओं से निर्मित हैं और परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनमें विनाश होता है। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही पढ़ा था, तो यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रूव करता है। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आगे है, भिन्न भिन्न तत्वों को परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण जो है हम करते हैं। ये जो अंश था ये स्थिर अनुपात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सिद्ध करता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो लेविजी ने जो दो नियम दिए थे उन दोनों को ही प्रूव करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परमाणु यानी कि एटम। एटम क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपनी रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के साथ भी देखा नहीं जाता, मतलब इतने जो है वो सूक्ष्म होते हैं। सबसे सूक्ष्म जो छोटा है वो है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.37 × 10⁻¹⁰ मीटर या 0.037 नैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखिए परमाणु जो त्रिज्या होती है उसको किस में मापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में और 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10⁻¹⁰ नहीं आएगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ये याद रखिए। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 0.37 × 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर दिया है IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म आ सकती है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। ठीक है, जो IUPAC ने जो है जो इन्हें चिन्ह दिए हैं अलग अलग पदार्थ के तत्व के, देखिए एल्यूमिनियम को AL, ये चिन्ह भी याद रखिए क्योंकि वो कई बार क्या करते हैं पेपर में चिन्ह ही पूछ लेते हैं कि इसमें से चांदी कौन सा है, इसमें से सोना कौन सा है, तो इस तरीके से आ जाता है कई बार। तो एल्यूमिनियम को AL, आर्गन को AR, बेरियम को BA, कैल्शियम CA, क्लोरीन CL, कोबाल्ट CO, लेड PB। ठीक है, कॉपर को CU, फ्लोरीन को F, गोल्ड को AU, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe, सल्फर को S, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, पोटेशियम को K, सिलिकॉन को SI, सिल्वर को AG, सोडियम को NA और जिंक को ZN से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका जो नाम है, मतलब जो भी चिन्ह है जिससे उसे डिनोट करते हैं वो पहले वाले अक्षर हैं, जैसे एल्यूमिनियम का AL हो गया, आर्गन का AR हो गया, ठीक है, बेरियम का BA हो गया, कैल्शियम का CA हो गया, कोबाल्ट का CO हो गया, इधर फिर फ्लोरीन का F हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, आयोडीन का I हो गया। तो कुछ ऐसे हैं जो ऐसे के ऐसे उनका फर्स्ट अक्षर जो है ले लिया गया है। ठीक है,
आगे देखिए, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। नेक्स्ट है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 समस्थानी के बराबर द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब 1/12 हिस्से के बराबर होता है। तो याद रखिए, परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान 1/12 हिस्से के बराबर, 12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, बस ये इन्होंने जो है इसमें वही प्रूव करके दिखाया गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इन्हें डिनोट किया जाता है। हाइड्रोजन 1μ, कार्बन 12μ, नाइट्रोजन 14μ, ऑक्सीजन 16, सोडियम 13, मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये तो परमाणु द्रव्यमान जिसका जितना होता है, याद रखिए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो है वो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहती हैं। देखिए, अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, परमाणु हो चाहे अणु हो, क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वो मुक्तावस्था में नहीं पाए जाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्तावस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस यानी कि जो नॉबल गैस होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं वो ही जो है स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और 6 होती है नॉबल गैस, सबको पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये क्या हैं? 6 नॉबल गैसेज हैं, या कह लीजिए निष्क्रिय गैसेज हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर हम नॉबल गैसेज के परमाणुओं को छोड़ दें तो और जो परमाणु होते हैं या तो वो अणुओं का निर्माण करते हैं, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, या फिर परमाणु आयन के रूप में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में वो नहीं पाए जाते, सिर्फ नॉबल गैसेज के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके। परमाणु आवेशित, परमाणु आयन और अणु। ठीक है, देखिए परमाणु हमने देखा कि या तो आयन के रूप में पाए जाते हैं या अणुओं का, अणुओं के साथ मिलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं अणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। देखिए, किसी भी अणु का निर्माण जो है दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, तो अणु का निर्माण किससे बन रहा है? दो या उससे ज़्यादा परमाणुओं से जो है अणु का निर्माण होता है। तो या कह सकते हैं कि अणु जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में क्या होते हैं, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर कह लीजिए परस्पर आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। और जब वो जुड़े होते हैं तो मिलकर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं अणु की डेफिनेशन में कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, एक ही तत्व के भी परमाणु हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के भी परमाणु हो सकते हैं, आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु को निर्मित करते हैं। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, सिर्फ निष्क्रिय गैसों के परमाणु छोड़ दे तो, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जैसे कि H2 अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश हो जाता है। इसी के आधार पर अणु को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तरह के परमाणुओं से जो निर्मित होते हैं और भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे O2 है, N2 है, O3 है, S8 है। ठीक है, इसमें देखिए क्या मिला, सबसे पहले O2 आया तो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल गए और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, N2 में दो परमाणु मिल गए और नाइट्रोजन मिल गया, लेकिन H2O बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के भी दो परमाणु मिले और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु, तब जाकर अणु का निर्माण हुआ है। सेम CO2 में, ठीक है,
NaCl, सोडियम भी लगा, क्लोरीन भी लगा, ठीक है, CaCO3 हो गया। तो इस तरीके से जो एक तरीके के परमाणु से निर्मित होंगे वो इस तरीके के मिलेंगे, और जो भिन्न तरह के परमाणु से जिन्हें यौगिक कहा जाता है वो ऐसे होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है परमाणुकता क्या है। देखिए आगे दिया गया है कि निष्क्रिय गैसें जो नोबल गैसेज होती हैं वो एक परमाणुक अणुओं का निर्माण करती हैं, जैसे ऑर्गेन, हीलियम एक परमाणुक होती है, हीलियम भी एक परमाणुक होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, द्विपरमाणुक, O2 आप देखती हैं, ऑर्गन हो गया एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक हो गया, फिर हाइड्रोजन द्विपरमाणुक हो गया, फॉस्फोरस चतुर्य परमाणुक, और सल्फर क्या है, बहु परमाणु होता है, ठीक है। चलिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, मतलब रासायनिक केमिकल जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है यौगिक, मतलब अलग अलग तत्वों से जो भी मिलकर वो बन रहा है उसी का निरूपण होता है। विशिष्टताएं क्या, देखिए रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं या आवेश जो है बराबर होनी चाहिए। धातु मात्र तत्व के योगी की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को उसके बाद, धातु और अधातु मिल रहे हैं, ठीक है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला आएगा उसमें जो धातु होगा उसको पहले लिखा जाएगा और अधातु को बाद में, जैसे CaO, NaCl, CuO, तो इसमें धातु पहले है और अधातु बाद में है, ऑक्सीजन आप देख सकते हैं बाद में है, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिए। बहु परमाण्विक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाती, ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं, सॉरी, ठीक है। बहु परमाण्विक आयन जब हो तो देखिए CaOH2 NH42, मतलब ज़्यादा जब परमाणु होते हैं तब, ठीक है, SO4। नेक्स्ट है आण्विक द्रव्यमान, किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को क्या कहते हैं, आण्विक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। तो देखिए H2O का द्रव्यमान निकाल रही है, H2 2×4 का द्रव्यमान प्लस 1×0 का द्रव्यमान, तो H2O का द्रव्यमान हो जाएगा 2×1 प्लस 1×16 18 म्यू, ठीक है। फिर बस ये इसमें जो है सूत्र बनाने का दिया गया है, सिर्फ ये पढ़ लीजिए, रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या है। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है, जो तत्वों के परमाणु होते हैं उनके चिन्हों को लिखते हैं, ठीक है। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है कि संयोजकता क्या है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे, जो पहला परमाणु होगा वो दूसरे की संयोजकता ले लेगा और जो दूसरे वाला होगा वो पहले की संयोजकता ग्रहण कर लेता है और फिर उसको मिला के लिखा जाता है, ठीक है, और संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे आया, H और S थी, इसकी संयोजकता 1 लिखी हमने, हाइड्रोजन की S की लिख दी 2, ठीक है, तो क्रॉस कर दिया हमने, तो H के पास S वाले की संयोजकता 2 चली गई और S के पास फर्स्ट वाले की, तो ये बच गया, बन गया H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम CO में देखिए, C में की संयोजकता 4, O की संयोजकता 2, तो ये क्या बन गया, C के पास दूसरे वाले की संयोजकता यहाँ 2 को दोनों की संख्याओं से भाग दिया जाता है क्योंकि कट रहे हैं, तो ये 2×2=4 और 2×1=2, C के पास 1 चला जाएगा, O के पास CO2 हो जाएगा, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एक एक होती है इन दोनों की संयोजकता, तो हाइड्रोजन की 1, Cl की 1, तो HCl हो जाएगा, सेम CCl में होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर बात आती है आयन क्या है, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश होते हैं, तो धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। धनावेशित आयन अगर हम बात करें पॉजिटिव आयन की, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, के पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ऐसे ऋणावेशित होते हैं, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ठीक। फिर बात करें आयन की, तो दो तरीके के होते हैं, एक सरल आयन होता है, एक यौगिक आयन होता है। सरल आयन में होता है आवेशित परमाणु कण,
ठीक है, जो परमाणु कण आवेशित होते हैं वो, और यौगिक कारण में होते हैं आवेशित परमाणुओं का समूह, ठीक है, समूह होता है, जैसे Mg2+ हो गया, Ma+ हो गया, Cl, मतलब एक ही तो है, ठीक है, समूह तो नहीं है। यहाँ पे देखिए C भी अलग है, ऑक्सीजन भी है, तो NH4 हो गया, SO2 हो गया, और ये OH हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है। तो समूह जो होता है उस पर यौगिक आयन, और जो आवेशित परमाणु कण होते हैं वो सरल आयन हो जाएंगे, ओके। आगे है मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कह लीजिए। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। मोलर द्रव्यमान इक्वल टू एक मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान देखिए 6.022 × 10^2 पदार्थ कणों का द्रव्यमान, ये पूछ लिया जाता है इसका क्या होता है, तो ये होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अगर 1 μ है तो इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 g/mol। नाइट्रोजन का अगर 14 है तो 14 g/mol हो जाता है। एसिड का मोलर द्रव्यमान 8 × s हो जाएगा, तो 8 × 32 = 256 g, ठीक है। HCl का H का मोलर द्रव्यमान और Cl का मोलर द्रव्यमान लेंगे, इसका जैसे 1 है H का हाइड्रोजन का और Cl का 35.5, तो ये 36.5 g/mol हो जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 साइंस का। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। थैंक यू।